हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रुद्रा में। दोस्तों, लोकसभा 2019 चुनाव, 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव संपन्न हो गए हैं। 7 चरणों में चुनाव हुए। आज मैं बताऊंगा उत्तर प्रदेश में किस पार्टी को, किस दल को, किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें मिल रही हैं, और मैं अपना एग्जिट पोल भी बताऊँगा कितना कितना मिलने वाला है किसको, ठीक है। और कौन सी पार्टी, क्या सपा बसपा में से कोई भी पार्टी बीजेपी या फिर कांग्रेस में जाने वाली, क्योंकि ये अलग महागठबंधन है, किस पार्टी में कौन सा दल जाएगा, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा, ठीक है। बने रहने के लिए मेरा लास्ट तक वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे अपडेटेड वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। और हाँ, कल मैं चुनाव परिणामों की हर अपडेटेड न्यूज़ आपको पहुँचाता रहूँगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। संसद, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न में बात कर लेता हूँ संसद से संबंधित, क्योंकि लोकसभा, क्योंकि ये स्टडी वाला चैनल है, तो कुछ उस बारे में टॉपिक में बात भी कर लेता हूँ, ठीक है। संसद की संरचना संगठन का प्रावधान 79 आर्टिकल में दिया हुआ है, ठीक है। संसद का गठन, ठीक है, उसमें 80 आर्टिकल नंबर 80 में दिया हुआ है राज्यसभा की संरचना, और 81 आर्टिकल में दिया हुआ है लोकसभा की रचना। तो मैं यही लोकसभा के चुनाव के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। कुल 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव पहला मतदान, पहला चरण 11 अप्रैल गुरुवार को संपन्न हुआ, ठीक है। पहला चरण 11 अप्रैल, दूसरा चरण 18 अप्रैल, तीसरा चरण 23 अप्रैल, चौथा चरण 29 अप्रैल, पांचवा चरण 6 मई, छठा चरण 12 मई और अंतिम 7वां चरण 19 मई को संपन्न हुआ। 23 मई को चुनाव नतीजे आने हैं, ठीक है। एग्जिट पोल में बताया गया, लगभग सारे एग्जिट पोल जितने न्यूज़ चैनल जिन्होंने सर्वे किया है, उनमें लगभग बीजेपी अपनी सरकार पूर्ण बहुमत में बनाती हुई दिख रही है। फिलहाल क्या परिणाम इसके एक्चुअल निकल के आते हैं वो 23 तारीख को ही पता चलेगा, ठीक है, यानी कल ही पता चलेगा, ठीक। अब चलिए देखते हैं 2014 के नतीजे, लोकसभा 2014 के नतीजे क्या रहे थे। 282 सीटें भाजपा ने जीती थी, ठीक है। इसमें सिर्फ पार्टी है, इनके जो एनडीए पूरे दल हैं, संघ दल हैं जो उनके साथ हैं, सहयोगी दल, उनके नहीं, सिर्फ अकेले अकेले दल की बात कर रहे हैं, तो 44 सीटें कांग्रेस, एआईडीएमके ने 37 सीटें और टीएमसी ने 34 सीटें और बीजे ने जीती थी 20 सीटें और अन्य ने 126 सीटें जीती थी, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं बहुमत, 543 सीटों में कुल 272 सीटों पर बहुमत, अगर इसके पार कोई दल जाता है तो उसे सरकार बनाने का मौका दिया जाता है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के धुरंधर 3 मुख्य दल के नेता। अब जो है उत्तर प्रदेश से पहले हम दिखाएंगे जो 2019 के जो एग्जिट पोल हैं उसमें भाजपा की स्थिति लगभग बहुमत से ज़्यादा दिख रही है। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि एग्जिट पोल में किसकी सरकार बनी हो, क्या क्या रहेगा, ठीक है। ये है लगभग एग्जिट पोल 2098, 2099, 2004, 2009, 2014 से 14 में एग्जिट पोल्स कितने कितने हुए, ये सब, इसमें सब में लगभग बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिलती हुई दिख रही है, लेकिन इनमें कुल एग्जिट पोल गलत भी हुए और परिणाम भी चेंज हुए। जैसे कि 2004 में काफ़ी सीटें बताई गई थी लेकिन अंततः एक्चुअल रिजल्ट में उसके विपरीत ही हुआ। अब ये जो एग्जिट, एक्चुअली उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, उनमें कुल 80 में जो एग्जिट पोल की तरफ से जो आए हुए हैं, मैं उन पर बात करता हूँ, ठीक है। सर्वे एजेंसियों के द्वारा जो सर्वे हुए हैं, एबीपी न्यूज़ ने सर्वे किया तो 33 भाजपा को मिल रही है और सपा बसपा रालोद को 45 सीटें और कांग्रेस को 2 मिल रही। इंडिया टुडे की सर्विस एजेंसी के द्वारा भाजपा को 62 से 68 सीटें मिलेंगी और सपा बसपा को 10 से 16, कांग्रेस को 1 से 2। इंडिया न्यूज़ की सर्वे एजेंसी के द्वारा भाजपा को 37 सीटें, सपा बसपा को 40, कांग्रेस को 2। टाइम्स नाउ के सर्वे के अनुसार भाजपा को 58, सपा बसपा रालोद को 20, कांग्रेस को 2 सीटें। यहाँ पे देखिए तो कांग्रेस को 2 सीटें कन्फर्म है, उन्हें 2 सीटें ही मिलने वाली है। आप जानते हैं एक रायबरेली और अमेठी में एक कड़ी टक्कर है, वो किसकी होती है, अगर वो नहीं जीतती है तो कहीं और से उसे हो सकता है कि सीट मिल जाए। और रिपब्लिक भारत से भाजपा को 38, सपा को 40
कांग्रेस को 2 सीटें, न्यूज़ 18 में भाजपा को 60 से 62 सीटें, सपा बसपा रालोद को 17 से 19 सीटें, कांग्रेस को 1 से 2 सीटें। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य, जिसने पिछली बार 2014 में बिल्कुल कंफर्म अपना एग्जिट पोल दिया था, उसके अनुसार भाजपा को 65 सीटें, सपा बसपा को 13 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो 2014 के नतीजों में भाजपा को 73, सपा को 5, जिसमें बसपा 0 थी, कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। उस हिसाब से देखा जाए तो भाजपा का ग्राफ गिरा है, ठीक है, क्योंकि भाजपा अपने एक्चुअल नंबर जो था 2014 में उसे कवर करती हुई नहीं दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं मेरे अपने एग्जिट पोल, जो मैंने काफ़ी मित्रों जो दोस्त हैं उनसे डिस्कशन करने के बाद जो हमें एग्जिट पोल मिला है, जो उनके अनुसार से एक सही एग्जिट पोल है, उस पर मैं बात करूँगा, अपना एग्जिट पोल बताऊँगा। हाँ दोस्तों, जो मेरा एग्जिट पोल है, एक्चुअल स्टडी विद रुद्रा का जो एग्जिट पोल है, जो कन्फर्म हो सकता है ऐसा, उसमें मैं महागठबंधन यानी सपा बसपा रालोद को कुल 40 सीटें जीतने का अनुमान मैं बता रहा हूँ, और बीजेपी को 33 सीटें, अन्य को 2 सीटें और कांग्रेस को 5 सीटें देने का मैं एक उचित मैं बता रहा हूँ, ठीक। क्या सही होता है अब कल आने वाले में पता चलेगा, कल निर्णय, फिलहाल मैं आपको अपडेट देता रहूँगा और ये भी बताऊँगा किस ओपिनियन पोल में किसका कितना सही हुआ, ठीक है, ठीक है। बने रहिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।